हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक वैकेंसी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि CSIR की तरफ से निकाला गया है। CSIR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ये जो इंस्टीट्यूट है वो माइनिंग का फ्यूल रिसर्च और रिसर्च पे काम करती है, माइनिंग एनालिसिस करती है, बहुत सारा प्रोजेक्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो ये सब काम करती है। तो इससे के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। ऐसी बहुत सी वैकेंसी होती है, छोटी मोटी वैकेंसी अलग अलग कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के द्वारा निकाला गया है। ये आपका जिसका जो हेड क्वार्टर है वो बरवा रोड धनबाद में पड़ता है। इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, वो टेम्प्रोरी पोस्ट निकाला गया है। ये पूरी तरह से टेम्प्रोरी पोस्ट है और एक टेम्प्रोरी टाइम पीरियड के लिए ही आपको इसमें जॉब करना है। और ये प्राइवेट जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। बट इसमें जो सैलरी दी जाएगी उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है, पहले प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी 2 यानी प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए निकाला गया है, परियोजना सहयोगी 2 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल 3 पोजीशन है, यानी टोटल 3 पोस्ट का वैकेंसी है। वैकेंसी का सीट बहुत कम है, यही देख के बहुत से लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपका ऐसा क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर दीजिएगा। और स्टाइपेंड यानी कि जो इसमें आपको पैसा मिलेगा मंथली, वो 28,000 रुपया मिलेगा अगर आपका सिंपल है तो। और अगर आपने गेट, नेट या CSIR का UGC वाला कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो फिर आपको वो 35,000 रुपया पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि इसके लिए जो पोस्ट है वो कुछ ऐसा है कि एक जो पोस्ट है वो BE या BTEC इन जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसके लिए हैं। और जो दो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जिन्होंने किया हुआ है जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में, उनके लिए है। तो जो पहला पोस्ट है उसमें ये बोला गया है कि BE BTEC होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D इन इंडस्ट्रियल इसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, या फिर SNT ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी रिसर्च फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए BE या BTEC सिविल इंजीनियरिंग के बाद। बी का मतलब होता है बैचलर इंजीनियरिंग, ये भी BTEC के इक्विवेलेंट ही होता है। सेकेंड जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन जूलॉजी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन जूलॉजी होना चाहिए या फिर अप्लाइड जूलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम क्वालिफिकेशन में, यानी आपके पास 2 साल का रिसर्च में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, इन चीज़ों में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का काम में, तो फिर आपको वरीयता दी जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 सीट और 2 सीट का वैकेंसी निकाला गया है, तो जिनके पास भी कंट्रोल ब्लास्टिंग वर्क होगा वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा फिर। तो जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है वो धनबाद है, और जिसमें CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बरवा रोड धनबाद, झारखंड, यहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। या फिर इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का। और टेलीग्राम ग्रुप को इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जिसका PDF मैं उसमें डालते रहता हूँ अक्सर, और वीडियो भी काफ़ी बाद में आता है उसका, तो आप उसको डाल लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू का, मतलब कौन से डेट है आपके इंटरव्यू के। तो 12 जुलाई 2021 को, यानी कि यही जो आने वाला है, उस दिन आपका सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है। और जो 30 जुलाई 2021 वाला जो है डेट, वो जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी का इंटरव्यू है। और ये जो नोटिफिकेशन है, आप घबराइएगा नहीं डेट देख के कि 12 तारीख का अगर इंटरव्यू है तो एक्सपायर हो गया होगा, नहीं, एक्सपायर नहीं हुआ है। 30 जून 2021 को इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो आपको जल्दी से जल्दी ये देखने के बाद ही आपको इसको अप्लाई कर देना चाहिए। तो एज कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एज कैटेगरी में यही बोला गया है कि जो अपर एज लिमिट होगा वो 35 साल होगा, अगर उससे ज़्यादा होता है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्म्स होते हैं ST SC OBC NXR1, ये सब जो नॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नॉर्म्स इसमें फॉलो होंगे। उसके बाद
और इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट का जो नाम होगा, डिटेल होगा, परसेंटेज होगा, क्वालिफिकेशन होगा, इसमें अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो आपका फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे देखिए एक पेज आपको दिखेगा, ये इसको आपको भरना है इस फॉर्म को। इसमें राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, फिर यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोजेक्ट असिस्टेंट टू, और साथ ही साथ अपना क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आप स्पष्ट कर देंगे। उसके बाद पूरा डिटेल इसको आप अच्छे से भर लीजिएगा। पूरा डिटेल आपको भर लेने के बाद, उसके बाद इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको जो मैट्रिकुलेशन है या टेंथ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए, या तो टेंथ का जो आता है रिजल्ट मार्कशीट वो, या फिर अगर आपका अलग से डेट ऑफ बर्थ बना है नगर निगम वाला तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस टू का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। देन आपका अगर आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट किया है तो आपके पास जो भी डिग्री होगी, डिग्री बी बी टेक पीजी डिग्री, सारा का सारा मार्कशीट का जेरेक्स आपको अटैच करना है। इसमें कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं भेजना है, सब का सब आपको जेरेक्स अटैच करना है। फिर उसके बाद बोला गया अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फिर आपको उसको अटैच करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसको अटैच करना है। कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें ST SC कैटेगरी के लिए नहीं निकाला गया है, दोनों का दोनों जनरल पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो आप अप्लाई करेंगे अगर SC ST से भी तब भी इसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि सब चीज़ों को अटैच करने के बाद आपको जो एड्रेस बताया गया था उस एड्रेस में आपको इनक्लोज करना है, भेजना है इनक्लोज करके। तो जो एड्रेस मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है यहाँ पे आपको भेजना है पूरी तरह से, या फिर यहाँ पे जो ऊपर में फ्रंट में आपका जो एड्रेस है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये एड्रेस को आप स्क्रीनशॉट मार के इसको कट करके निकाल सकते हैं और इसी को चिपका सकते हैं। तो इस एड्रेस में आपको इसको अटैच करके भेजना है। उसके बाद आपका मेल और मोबाइल नंबर आप हमेशा चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपको मेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको दिखेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं। अगर शॉर्टलिस्ट नहीं भी हुए, आपका नंबर नहीं भी आया क्योंकि डेट बहुत कम है, तो आपका अपना डॉक्यूमेंट लेके 11:30 बजे तक चले जाना है उसी जगह पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया साक्षात्कार का स्थान, प्लेस ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे आपको पहुँच जाना है। जितने तारीख का आपका है, 12 तारीख को अगर आप सिविल इंजीनियर वाले हैं, अगर जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी वाले हैं तो 13 तारीख को आपको धनबाद में इस जगह पर अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। और ये जो मैंने अटैच करके बोला एप्लीकेशन, आपको बाई पोस्ट अप्लाई कर देना है पहले से ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।